टीवी किसका, टीवी किसका है, टीवी किसका है, हमें पूजा ना करने दे और हम खिलाएंगे तो हम तो मोदी जी, योगी जी, भगवान मिल गए तो भैया मिल गए तो सब मिल गए, तो तुम अंधभक्त हो, मैं भी अंधभक्त हूँ, ऊपर गंवार रहो, पकोड़े बेचो, मैं तो चंद लोगों को लेकर के राज करूंगा, राज जहां भी होल्डिंग लगा है वहां पे हमारे आदरणीय मान्य सम्मान्य बड़ा सा होल्डिंग में फोटो है और कह रहा मैं चंद्रयान पे पहुंचा, मैं शिव स्थल बनाया, मैं उसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो मैं आप सबके चैनल से कहना चाहता हूँ कि भैया हिंदू राष्ट्र बना रहे हो ना, जा चांद पे बना ले। डाकू, अरे वो सवा शेर के डाकू हैं भैया, छोटा मोटा डाकू नहीं है, वो आपकी तरह नहीं पॉकेट में 100 रुपए निकालेंगे, आपका पूरा का पूरा कपड़ा उतार देंगे। हिंदू सम्राट मानते हैं उनको, हिंदू, अरे हिंदू के मतलब होता है मानसिक गुलाम, तो मानसिक गुलाम तो सम्राट मानेंगे, अरे सम्राट नहीं मानेंगे तो हम गुलाम कैसे रहेंगे, तो हम गुलामी में जेल है, हम जी रहे। टीवी पर डिबेट हो रही है, टीवी किसका है, टीवी किसका है, ये जो मीडिया है, ये जो स्ट्रीम मीडिया कहलाती है उसको आपने गोदी मीडिया कहा, आपने कहा कि ये भटका हुआ मीडिया, कितने 10-20-50, बाकी हमारे सोशल मीडिया को मीडिया मानते कहाँ है, उनको तो कहीं ना कहीं बेचारे को भागना पड़ता है, जंतर मंतर से भगा दिया जाता है। सोशल मीडिया को आप उसको अधिकार दो, आप उसकी रजिस्ट्रेशन दो, उसकी मान्यता दो, क्यों नहीं दे रहे? 200 का तो फायदा हो गया आपको, किसको हो रहा है, 200 का 400 बढ़ा दिया, 600 बढ़ा दिया और उसमें से कहा तुम जो है खुरचन ले लो, अरे पहले तुम अरबों करोड़ रुपया लूट लिया और उसमें से कह रहे खुरचन ले लो, तो ये घट गया, आप 2000 कर दो, फिर इलेक्शन होगा, फिर 1000 बढ़ जाएगा, तो आप क्या तमाशा दिखाना चाहते, आप 400 क्या भारत का राम रोशन हो रहा है, आप उसी को कि जो है पगडंडियों में जो है कपड़े बिछाए जा रहे हैं, आपको यही रोशन हो रहा है कि आपने लॉकडाउन लगा रहे हो, आप यही रोशन हो रहा है कि 144 लागू कर रहे हो, जी होई है दुल्हन की तरह, कौन सा कहां, आइए ना हमारे मंडावली में, आइए ना लक्ष्मी नगर में, आइए ना जो है बाकी कोंडली वगैरह में, आपके क्या हालत है, वहां पे डेंगू फैला हुआ है, मच्छरों का राज है और आप लुटियन जोन में कपड़ा बिछा रहे हो करोड़ों रुपया खर्च करके और जनता को बंद करके लॉकडाउन कर करके आप कह रहे हो कि बहुत हम सफाई कर रहे हैं, यही है स्वच्छता का अभियान, कौन करेगा, केजरीवाल तो किया, एक शिव बाबा का पानी निकलने पर वो कहा जी मैंने नहीं किया, सेंट्रल ने किया, उसको तोड़ो, अरे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और उसके बाद कहा तोड़ो, यही ड्रामा होगा। सर दिल्ली में शिवलिंग लगा दिए हैं, फव्वारे चल रहे हैं सीताराम की, तो पूजा करो उसका, जाके उसमें माला वाला भी तो चाहो भैया, और पानी क्यों उसपे दूध चढ़ाओ, पूरा धार्मिक हो गया है दिल्ली से। हाँ, तो धार्मिक तो मैं तो कह रहा हूँ, ये चाहते हैं कि धार्मिक हो जाए, ये चाहते हैं कि धार्मिक हो जाए, परेशानी है ना, हमें क्या को परेशानी रहेगा भैया, हम अंधभक्त जो है, हम अंधभक्त हैं, हम तो पूजा करेंगे, हम उनको केला खिलाएंगे, हम उनको सेब खिलाएंगे, हम उनको जो है प्रसाद देंगे और हमारे खा करके हमारी छुआछूत को हमारे मंदिर में ना घुसने दे, हमें पूजा ना करने दे और हम खिलाएंगे, तो हम तो आपके लिए नहीं है ना, अरे तो हमारे लिए इसीलिए तो कह रहे हैं, तो मंदिर किसके लिए, ब्राह्मण बात के लिए है, 3% ब्राह्मण जो है मंदिरों में रहेगा, हमारा खाएगा, 1600 अभी भी जो है देवदासी जो है मंदिर में है, उसका उसके साथ देवदासी के मतलब क्या होता है कि वहाँ के मंदिर के वहाँ के पुजारी अभी भी साउथ के अंदर अभी मंदिर में है 1600 और अभी वृंदावन में 1600 जो है देवदासियाँ और जो विधवाएं औरत जिनकी जिंदगी 200 ग्राम चावल और 100 ग्राम चावल पे जी रहा है उसका शोषण कौन कर रहा है, क्या आप उसका जवाब देंगे? तो हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं कि ऐसे हमें हमारे जैसे हमारे जो हिंदू करें 1000 साल तपस्या करने के बाद जिंदगी सबकी कितनी है, 20-25 साल का, 22 साल का, 18 साल का, मेरे 60 साल का, और लोग कह रहे हैं कि मैं 60,000 साल से तपस्या किया और उसका फल मिला है, मोदी जी भगवान मिल गए मुझे, मोदी जी, योगी जी, भगवान मिल गए, तो भैया मिल गए तो सब मिल गए, तो तुम अंधभक्त हो, मैं भी अंधभक्त हूँ, सर चंद्र क्या फर्क पड़ता है, ये अफ्रीका थे और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई भारत के अंदर अच्छा काम हो तो ये भारत से बाहर रहे, थैंक गॉड ये अफ्रीका में थे, जो मेहमान आ रहे हैं पूरी दुनिया से, तो इसीलिए तो सबको भगा रहे, अरे भगा किस ले रहे हैं कि ये कहें कि ये विदेश है, ये पेरिस है, ये जो है स्विट्जरलैंड है, ये हमारा इंडिया नहीं है, ये हमारे पास जो है रहने का ठिकाना नहीं है, हमारे पास रन बसेरा में रहने की जगह नहीं है, रोड पे नहीं रहे हैं और आप मेहमानों के लिए एक होटल, एक मेहमान और सारे सिक्योरिटी, आप उसके लिए 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां, ठीक है हम मेहमानबाजी करना जानते हैं, हमारी ये संस्कृति है, हम पूरा मेहमानबाजी करेंगे, लेकिन जनता को कुचल करके, जनता को दबा करके, जनता को घर में बंद करके, लॉकडाउन लगा करके,
थे, आप ये जो झूठी शान दिखा रहे हो ये झूठी शान नहीं है तो क्या है? आज यहाँ कर्पूरी ठाकुर की बात हो रही है, समाजवादी की बात हो रही है, सामाजिक कार्य की बात हो रही है, और आप जो है वो जो है आप तानाशाही का दिखा रहे हो, आप जो है शोबाजी कर रहे हो। अमृत सर रहेगा मेरे भाई, आपने अमृत महोत्सव मना रहे हो, आपको 15 लाख मिला मुद्रा योजना, आपको 15 लाख रुपया जो है पैसा मिला, आपको रोजगार मिला, आपको शिक्षा मिला, आपको बेटा अगर मेडिकल करना चाहते हैं, आपके पास 1 करोड़ है क्या? बताओ किसके पास 1 करोड़ रुपया है जो आप बेटा को MBBS करा सकते हो? आप बताओ कि किसको नौकरी लग गया? आप बताओ कि आपने जो है अपोलो में और जो है वेदांता में आप अपने भाई का, बहन का, माँ का इलाज करा सकते हो? आप जो है सर कौन सा, अरे वो कहते हैं कि 100 करोड़ मरो, मरो कीड़े मकोड़े की तरह, अनपढ़ गंवार रहो, पकोड़े बेचो। मैं तो चंद लोगों को लेकर के राज करूंगा। राजा के मतलब ही होता है सारा प्रजा जो है भूखे रहो, नंगे रहो, डंडे खाओ और मैं राज करूंगा। उसी सिस्टम पे जो 1000 साल पहले भारत में था, उसी हालात में आज मेरे भारत को जो आज उज्जवल होना चाहिए था, शाइनिंग इंडिया होना चाहिए था, विकास के ऊपर बढ़ना चाहिए था, जहाँ पे पूरा विदेश, जहाँ पे कोई भगवान नहीं है, लेकिन आज हम उसको बिस्किट देश कहते हैं। और आज हम लोग अगर जाते हैं, मैं खुद लंदन में था, यूनाइटेड नेशन का फंक्शन था, तब अंग्रेजों ने कहा इंडिया इज ए ब्लडी फूल, तब मेरे सीने पे क्या गुजरा था आपको पता है? आपको पता है कि जब अंग्रेजों ने कहा कि इंडिया इज ए ब्लडी फूल, मतलब समझते हैं कितना बड़ा गाली दिया था मेरे सामने, और मैं वहां खामोश रहा था क्योंकि सब अंग्रेज लोग थे वहां पे। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए अफ्रीका में, प्लेन में बैठे रहे, अरे मेरे को वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं लेने आया, वो प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना वाले को लेने तो नहीं आए, वो निकल नहीं रही बाहर, अरे मेरा स्वागत नहीं हो रहा। आप क्या स्वागत करने गए थे या स्वागत लेने आए थे? तो इस तरह से ये जो दिखावटी जो हम दिखा रहे हैं, ये हमारी जनता अगर भूखे रहेगी, नंगे रहेगी, बेरोजगार रहेगी और आप शान बघारते रहोगे तो ये नहीं चलेगा। हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे नौजवानों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमारे नौजवानों को स्वास्थ्य चाहिए, हमारे यहाँ समानता के साथ शिक्षा हो, हमारे साथ बाकी जो है सारे सिस्टम। नौजवान तो शोभा यात्रा निकाल कौन सा रहे, तो ये तो डंडा खा रहे हैं, फिर क्यों खा रहे हैं, फिर क्यों उस पर बुलडोजर चल रहा है, फिर तकलीफ क्यों हो रही है? आप वही पे ताली थाली बजाने का देश समझते हो तो बजाओ ना, उसी का तो हम भोग रहे हैं। और आने वाले अंबेडकर ने कहा, पेरियार ने कहा, हमारे गौतम बुद्ध ने कहा कि शिक्षा लो, ग्रहण करो, आगे बढ़ो, पार्लियामेंट में आपकी जगह होनी चाहिए, लेकिन आपके क्या जगह है? आपको आरक्षण है लेकिन क्या आपको जगह है? आज जो है न्यायपालिका में सारे के सारे जजेस जो है ब्राह्मणवाद फैले हुए हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेजेज हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं, सब जगह ब्राह्मणवाद है। आप हो कहाँ और किस बात पे आप अपना को कहते हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ? विज्ञान को इन्होंने धत्कार दिया, 1200 उसमें कीटाणु है, आज कह रहे मैं चंद्र ग्रहण पे पहुंच गया। अरे तो इसरो क्या कर रहा था भाई, वो घंटा बजा रहा था क्या? इसरो का कोई रोल नहीं था क्या? इसरो को बधाई दी जा रही है, कहाँ दे रही है? जहाँ भी होल्डिंग लगा है वहाँ पे हमारे आदरणीय मान्य सम्मान्य बड़ा सा होल्डिंग में फोटो है और कह रहा मैं चंद्रयान पे पहुंचा, मैं शिव स्थल बनाया, मैं उसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो मैं आप सबके चैनल से कहना चाहता हूँ कि भैया हिंदू राष्ट्र बना रहे हो ना, जा चांद पे बना ले हमारा हिंदुस्तान को, हमें जो है ये स्वर्ग है, ये हमारा, ये हमारे भारत, हिंदुस्तान भारत, जिसको ना हिंदुस्तान ये कह रहे हैं ना ये भारत कह रहे हैं, ये तो मेक इन इंडिया कह रहे हैं, इंडिया ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं मेरे भाई, और मेक इंडिया की बात, ये भारत वर्ष की बात नहीं कर रहे। तो भारत वर्ष होनी चाहिए और इनको भेज दो सबको चांद पे, वहीं रहें, हमें सुकून से, शांति से, सद्भावना से, एकता के साथ, हम जो है सेकुलर देश है, ये गणराज भारत है, ये गणराज भारत बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए हर नौजवान को अपने सीने पे और अपने सर पे कफन बांध करके घूमना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, तभी ये हमारा गणराज बचेगा।